और ये तीसरा झटका यहाँ पर डीबीसीए की टीम को। अंकित
इस वक्त हम आपको ले चलते हैं मैच की ओर, डीबीसीए और जो आरकेडिया के डीबीसीए कर रहे हैं। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 10 ओवर खेला जा रहा है और स्कोर है 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 रन। 3 बल्लेबाज पैवेलियन जा चुके हैं इस वक्त डीबीसीए के, और इस वक्त क्रीज में है किशोर और गौरव मंगानिया। जहां तक मैं बात करूं डीबीसीए की बैटिंग्स की, तो दीपन पॉन्थियाल अनुराग रावत की पहली ही गेंद में बोल्ड हो गए थे। इसके बाद निशांत जो कि सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, किशोर इस वक्त खेल रहे बहुत अच्छे 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, अंकित भी कुछ खास नहीं कर पाए और अनुराग रावत का शिकार भी। तो गौरव मंगानिया इस वक्त क्रीज में है, 22 रन पर नॉट आउट है। अनुराग रावत की बात करूं 3 ओवर में उन्होंने 21 रन बॉलर नेम बता दिया करो, जो भी आता है बॉलर बता दिया करो। और किशोर काफी मजे हुए खिलाड़ी है, इनके बारे में मैं बता दूं कि ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसके फाइनल राउंड तक थे और विकेट कीपर बल्लेबाजी अब काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अगर मैं नवनीत खंडूरी की बात करूं तो नवनीत खंडूरी के 3 लीग मैच में ये खेले थे डीबीसीए की ओर से और इन्होंने 2 अर्धशतक मारे थे और काफी अच्छी बल्लेबाजी। एक मैच में उन्होंने 68 रन मारे थे और एक में 54 रन मारे थे, जो कि दिखाता है कि कंसिस्टेंट बल्लेबाज है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। गौरव मंगानिया देहरादून का चिप पर चिप नाम, खालसा क्रिकेट एकेडमी भी चलाते हैं। और इस वक्त दोनों बल्लेबाजों इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं, सिंगल जहां उनको मिल रहे हैं तो ले रहे हैं। और मैं ये सोचता हूं कि अगर आप इस विकेट पर 150 रन का टारगेट रखते हैं तो फिर आप दूसरी टीम को परेशानी में जरूर डाल सकते हैं। और एक बार फिर से यहां पर किशोर कपिल बॉलर है, अनुराग रावत ने आज काफी इंप्रेस किया है। कपिल की ये बॉल काफी अच्छी गेंद थी और मिड ऑन की दिशा में से धकेल दिया किशोर ने और आसानी के साथ 1 रन। अपने फॉलो थ्रो में कपिल ने जरूर कोशिश की थी इसे रोकने की, लेकिन उनसे काफी दूर और आसानी के साथ सिंगल। इस वक्त गौरव स्ट्राइक पे काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं गौरव। बल्ले का मुंह खोला पॉइंट दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डिंग काफी अच्छी फील्डिंग और इसी तरह से ओवर की समाप्ति। ग्यारह ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 68 रन, जबकि 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। गौरव जो कि 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, किशोर भी 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों इस वक्त सेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। धीरे धीरे स्कोर एक अच्छे टोटल की ओर बढ़ता हुआ। बॉलर नेम
शुभम, तो शुभम है ये बॉलर, इनका सामना करेंगे किशोर। और ये हल्का सा खींचा हुआ बॉल था जिसे मिडॉन दिशा में किशोर को खेलने में कोई परेशानी नहीं हुई और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और स्कोर हुआ 69, जबकि ये 12वां ओवर फेंका जा रहा है। गौरव इस वक्त, और ये बॉल काफी नीचे रहा था और क्लीन बोल्ड आउट हो गए यहां पर गौरव। कट करना चाहते थे इस बॉल को, लाइन मिस की और क्लीन बॉल। अगर आप इस तरह की शॉट खेलते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि बॉल, और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं दिलबाग उर्फ बग्घा, जो कि अपनी हिटिंग के लिए काफी पॉपुलर है और बागा बॉय के नाम से काफी फेमस है। और इन्होंने सचिन जी हमें जो गढ़वाल प्रीमियर लीग होती है, अब जो गढ़वाल क्रिकेट लीग के नाम से खेली जाएगी, तो काफी अच्छा इन्होंने वहां पर कुछ इनिंग खेली थी। शुरू के 3 मैच में इनको मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन जो लास्ट 3 मैच में इन्हें मौका मिला तो उन्होंने दिखाया कि मुझे गलत साबित किया इस तरह से कि आपको मुझे शुरू से खिलाना चाहिए था, और बहुत अच्छी इनिंग इन्होंने खेली थी वहां पर। और सबसे अच्छी बात उनके पास ये है कि ये अपने शॉट खेलने से हिचकिचाते नहीं है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जबकि अभी भी 10-11 ओवर बचे हुए हैं, देखना है कि क्या कर पाते हैं। और आने दिया बॉल को और आसानी के साथ उसे खेल दिया। और एक बार फिर से यहाँ पर पूरी तरह से बीट कर दिया बॉलर ने यहाँ पर दिलबाग को। और एक बार फिर से यहां पर काफी अच्छा बॉल, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर शुभम। एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट एक सेट बल्लेबाज गौरव मंगानिया को इन्होंने बॉल किया था और इस वक्त और लगातार अच्छा बॉल डाल रहे हैं यहां पर शुभम। काफी परेशान किया है उन्होंने दिलबाग को, इस विकेट की बात करूं तो थोड़ा बहुत नीचे रह रहा है क्योंकि इस बार ये दूसरा मैच खेला जा रहा है। किशोर ने जरूर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है और अच्छी इनिंग्स की और बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहां पर किशोर। नितिन हाथ खोले हाथ। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 69 रन।
कपिल बॉलिंग करने के लिए और एक सेट पहले बाद किशोर इस वक्त मौजूद और ये जांचा परखा और आसानी के साथ दो रन के लिए भाग चुके हैं दोनों बल्लेबाज और आसानी के साथ पूरे भी कर लिए। इस वक्त ये दूसरा पावर प्ले चल रहा है, काफी बड़ा मैदान है ये हल्का सा इसे पॉइंट और गली की दिशा में खेला लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद कोई रन नहीं। आर्केडिया की बात करूं तो काफी अच्छी बॉलिंग की है अब तक, तारीफ करनी होगी आर्केडिया के बॉलरों की। और ये बैट के अंदरूनी किनारे से लगकर थर्ड में दिशा में गई बॉल और आसानी के साथ एक रन ले लिया किशोर ने। किशोर पहुंचे 27 रन पर और इस वक्त दिलबाग के पास बैटिंग जिनको अभी अपना खाता खोलना है। और दिलबाग साहब एक कसम खाकर आए हैं कि वो सिक्स या चौके से ही अपना खाता खोलना चाहेंगे क्योंकि कपिल आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। कपिल काफी अच्छी बॉल डाल रहे हैं तो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा यहां पर। और ये आसानी के साथ मिड ऑफ की दिशा में खेल दिया और आसानी के साथ एक रन। एक अच्छी क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रही है। किशोर डीबीसीए को अगर सम्मानजनक स्कोर की ओर जाना है तो किशोर को पूरा खेलना होगा। और मैं समझता हूं कि अगर आप 140 प्लस अगर बनाते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है जिस तरह से क्रिकेट चल रहा है। सुबह जरूर हिमालय ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस विकेट पर की थी और 200 से ज्यादा रन मारे थे लेकिन इस वक्त ये दूसरा मैच है और कंडीशंस कुछ दूसरी है। बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलर है शुभम। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर शुभम के द्वारा। दिलबाग ने इसे अंतिम क्षण तक देखा और एक तरह से धकेला बॉल को। और ये शानदार फील्डिंग कवर क्षेत्र में खेली गई ये शॉट आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। किशोर इस वक्त
आप किससे और सामना करेंगे? और ये हल्का सा लग ग्लांस मिड विकेट क्षेत्र में और किशोर को सिंगल लेने में कोई परेशानी नहीं। 14 ओवर चल रहा है, ये स्कोर है 75 रन। और इस वक्त दिलबाग के बल्ले से निकला ये रन। बहुत अच्छी तरीके से इसे स्कोर कर दिया आसानी के साथ, सिंगल और दूसरे रन के लिए बैठ पड़े और इसे आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी सूझबूझ का परिचय यहां पर दोनों बल्लेबाज देते हुए, वो जिस तरह से बाउंड्रीज नहीं आ रही है तो उसे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए और ऐसी ही कोशिश दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी क्रिकेट इस वक्त देखने को मिल रही है डीबीसीए की ओर से। अरे फिर से आसानी के साथ स्टीयर कर दिया है इसे 4 रन के लिए। किशोर पूरी तरह से लय में दिख रहे हैं, देखा कि गली और पॉइंट के जो बीच का जो एरिया होता है उसमें काफी ज्यादा गैप था, बल्ले का मुंह खोला और आसानी के साथ 4 रन बटोर दिए। एक इफर्टलेस शॉट में से कह सकता हूं और 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 82 रन, 82 रन। अच्छा 8 ओवर अभी और बचे हैं और इन 8 ओवर में देखना होगा कि डीबीसीए कितना टारगेट दे सकती है, जबकि उनके सिर्फ 4 खिलाड़ी अभी तक आउट हुए हैं। बाघा जो कि काफी अच्छे शॉट खेल सकते हैं, किशोर एक सेट बल्लेबाज हैं, तो एक सम्मानजनक टोटल की उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त इस वक्त कपिल एक बार फिर से और एक काफी अच्छी गेंद, लगभग यार्कर बॉल और स्लोअर थे, स्लोअर यार्कर कहूंगा मैं। दिलबाग थोड़ा पहले ही कमिट कर गए, भाग्यशाली रहे यहां पर दिलबाग। और ये बॉल फाइन फाइन लेग की दिशा में बॉल जाता हुआ, और 2 रन आसानी के साथ ले लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज इस वक्त कर रहे हैं, 15 ओवर फेंका जा रहा है। हल्के हाथों से फेंकी गई बॉल, बल्ला जरूर जोर से घुमाया था लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस वक्त किशोर के पास है स्ट्राइक जो कि काफी सख्त होकर खेल रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी में कहूंगा। इस वक्त 34 रन पर खेल रहे हैं किशोर और ये
विकेट की दिशा में धकेला एक तरह से और आसानी के साथ एक रन। और ये एक चीज मानना पड़ेगा, फील्डिंग के अकॉर्डिंग ही बॉलिंग हो रही है यहाँ पर। काफी अच्छी गेंदबाजी मैं कह सकता हूं। और इसको कवर क्षेत्र में खेल रहे चार रन, दिल बाग के बल्ले से निकला वो शानदार चार रन। दिल बाग जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाज है, अगर इनका दिन हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ चार रन और बहुत अच्छी गेंदबाजी पूर्णता से बीट कर दिया उन्होंने दिलबाग को। सोलह ओवर फेंका जा रहा है ये इनिंग का और लगभग फिर दो गेंद और चार रन के लिए यहां पर बहुत खराब गेंदबाजी यहां पर हर्षल के द्वारा। दिलबाग के पास पूरा मौका था और दिलबाग के बल्ले से निकला ये पहला सिक्स। और ये बात फिर से आसानी के साथ इसे स्कॉलर दिशा में धकेला और आसानी के साथ एक रन।
और ये अच्छे टेक्निक्स की आपने सिक्स मारा, उसके बाद सिंगल निकल कर एक दो सेट बल्लेबाज की शोर खेल रहे हैं आपने उनको स्ट्राइक दे दी। और हर्षल एक बार फिर से उनका पहला ओवर है ये, बहुत अच्छा से खेला मिड क्षेत्र में और आसानी के साथ सिंगल। दिलबाग एक बार फिर से उठा लिया उसे कलर क्षेत्र में और शानदार सिक्स। दिलबाग अगर अपने रंग में, जैसे कि मैं बता रहा था, दिलबाग अगर एक बार अपने टच में आ जाए तो उनको रोकना बहुत मुश्किल है और हम बहुत लंबे लंबे सिक्स मारते हैं। इससे पहले उन्होंने मिड विकेट में एक शानदार सिक्स मारा था और फिर हर्षल के उसी ओवर में उन्होंने कवर क्षेत्र में एक लंबा सिक्स मारा है। और मैं आपको बता दूं कि 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 105 रन, अभी भी 6 ओवर प्ले के जाने बाकी है, तो इन 6 ओवर में देखना होगा कि डीबीसीए कहां तक टारगेट दे पाते हुए यहां पर आर्केडिया को, जबकि अभी ऋषभ आतिश जैसे खतरनाक खिलाड़ी अभी आने बाकी है। अगर मैं अभी टेस्ट मैच की बात करूं तो आतिश सुनियाल ने वहां पर 2 टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे और मेरे बाद वो शायद दूसरे बॉलर थे जो कि ये कारनामा करने में सफल रहे थे। मैं आई एम ए लकीएस्ट पर्सन, मैं इसमें 14 विकेट लेने में सफल रहा था। और एक बार फिर से यहां पर बहुत अच्छी तरीके से, और ये अच्छी टेक्निक है कि सब जानते हैं कि दिलबाग अच्छे शॉट खेल सकते हैं, बड़े बड़े हिट मार सकते हैं, तो वो सही कर रहे हैं। सिंगल निकालकर दिलबाग को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश यहां पर, और जो कि मैं कहूंगा कि बहुत सही रणनीति है। अमित बॉलर है यहां पर, 17 ओवर प्ले का जा रहा है। बहुत अच्छी, थोड़ा पहले ही बल्ला घूम गया था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा दिलबाग को। अच्छे टच में लग रहे थे दिलबाग और अब और इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं ऋषभ। और ऋषभ के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, पिछली बार नवनीत खंडूरी टूर्नामेंट में 7 गेंदों में 30 रन इन्होंने मारे थे और बहुत तेज तर्रार बल्लेबाजी की थी। गढ़वाल प्रीमियर लीग की बात करूं तो उसमें भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और एक अच्छे ऑलराउंडर है, और ये भी दिलबाग की तरह लंबे लंबे सिक्स मारना जानते हैं। और इस वक्त अमित जो कि एक सफलता दिलबाग के रूप में ले चुके हैं इस वक्त उनके सामने है ऋषभ। पहला बॉल फेस किया है आसानी के साथ सिंगल। और किशोर जो कि
इस वक्त 38 रन बनाकर खेल रहे हैं, 46 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और इस वक्त 17 ओवर फेंका जा रहा है। और बहुत अच्छी तरीके से इसे खेल दिया है, लेकिन वहां पर शानदार फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन ले लिया और एक बार फिर से ऋषभ के पास है स्ट्राइक। बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी और दो रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगे, पर आसानी के साथ दो रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। किशोर खेल रहे हैं 39 रन पर, अब ये देखना होगा कि ये अपना शतक तक पहुंच पाते या नहीं। बॉलर्स नेम प्लीज, अनुराग को लाया गया है फिर से। अनुराग शुरू में इन्होंने काफी प्रेशर बनाया था डीबीसी पे और चोटी के तीन महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पैवलियन की राह दिखा दी थी और काफी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी उस वक्त, लेकिन इस वक्त सब बल्लेबाज किशोर इनके सामने है। और एक बहुत अच्छी गेंदबाजी, लगभग जाकर बॉल, लेकिन किशोर चूंकि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आसानी के साथ इसे एक तरह से धकेला उन्होंने से मिड विकेट की दिशा में और आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। अब ऋषभ एक बार फिर से, और ये बॉल नियंत्रण में नहीं थे और बाइट का इशारा एम्पायर का तो दो रन मिले। इस प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश अनुराग रावत की, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और होता भी है जब आप इस तरह बॉलिंग करते हैं, तीन विकेट ले चुके होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप और ज्यादा प्रेशर टीम पे बनाए। और फिर तो गेम एक तरह से, लेकिन आसानी के साथ इसे खेल दिया थर्ड मैन दिशा में और एक रन देने से नहीं रोक पाएंगे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन हो चुके हैं, 18वां ओवर प्रगति पर है इस वक्त। और अनुराग इस वक्त ऋषभ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और क्लीन बॉल क्या करना चाहते थे बल्लेबाज को समझ में नहीं आया। अच्छा बॉल ये अनुराग रावत का, सुंदरम आए हैं नए बल्लेबाज।
अनुराग रावत ने वास्तव में काफी इंप्रेस किया है, 4 विकेट अब तक ले जा चुके हैं। एक सौ 14 रन है, 6 आउट हो चुके हैं, 18 ओवर रनिंग पे और इस वक्त सुंदरम सुंदरम जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज है। सुंदरम के बारे में बता दूं मैं कि सुंदरम जो यहां पर मॉन्स में जो टेस्ट मैच हुआ था, इन्होंने वहां पर एक मैच जिताऊ पारी खेली थी, 80 रन उसमें मारे थे और लगभग 200 गेंदे इन्होंने खेली थी उसमें, और काफी अच्छी बल्लेबाजी वहां पर की थी। तो आज देखना होगा कि वो क्या कर पाते हैं। और ये बॉल काफी अच्छा बॉल, हल्का सा बॉल टूट पे गई और इसे एक तरह से स्क्वायर लेग की दिशा में आसानी के साथ धकेला और सिंगल। अब किशोर जो कि 41 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और शानदार शॉट मिड ऑफ की दिशा में खेला गया किशोर के द्वारा, ये शानदार शॉट। इस तरह से किशोर पहुंचे 42 रन पर, स्कोर पहुंचा 116 रन, अभी भी 4 ओवर फेंके जाने बाकी है। 116 रन है और 4 ओवर फेंके जाने बाकी है, तो इन 4 ओवर में देखना होगा कि डीबीसीए कितना टारगेट आर्केडिया के सामने रख पाता है। और ये शानदार मिडाउन की दिशा में खेला गया ये शॉट, आसानी के साथ सिंगल ले लिया। यहां पर अमित बॉलर है और ये मुझे अच्छा लगा देखने में कि स्लो ओवर में जाकर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर बॉलर, और ये बॉल काफी बाहर और इंपायर ने इसे वाइड करार दिया। पिछले ओवर में अनुराग ने भी काफी इंप्रेस किया था, ये बार फिर से यहां पर अमित और इसे ऊपर खिलाया, लेकिन आसानी के साथ यहां पर सुंदरम ने मिड ऑफ वैसे आसानी के साथ सिंगल यहां पर ले लिया। शानदार शानदार क्रिकेट देखने को मिला, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में यहां पर इस बॉल में देखने को मिला। अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग वहां पर अमित के द्वारा, रन की गुंजाइश को खत्म किया और ये वापस से अमित हॉल को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और मैं आपको बता दूं सुंदरम बहुत तेज दौड़ते हैं और आसानी के साथ यहां पर 2 रन, आसानी के साथ यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और इस प्रकार से स्कोर बढ़कर हो गया है 121 रन। किशोर खेल रहे हैं 45 रन पर, बहुत अच्छी तरीके से खेल दिया है उसे। लेकिन 80 रन से संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रही है। आर्केडिया के अगर मैं बात करूं तो उन्होंने काफी अच्छा इंप्रेस किया,
उनके बॉलरों ने फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉलिंग की है। स्कोर बढ़कर हो गया है 126 रन, जबकि ये 20वां ओवर फेंका जा रहा है और उसके बाद अभी दो ओवर और फेंके जाने होंगे। किशोर के पास स्ट्राइक है जो कि 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बहुत अच्छी तरीके से खेला गया ये शॉट मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट करना होगा यहां पर किशोर को। और किशोर पहुंच गए हैं 47 रन पर। सुंदर रन इस वक्त सुंदरम के पास स्ट्राइक है। और ये अच्छा बॉल काफी नीचे रहा, लेकिन तारीफ करनी होगी अनुराग की, जो तरह की उन्होंने यहां पर गेंदबाजी की है, ऊपर खिलाया है, यॉर्कर कोशिश की है, आसानी के साथ रन नहीं दिए है। एक राशि रन चला और दूसरे रन के लिए भी बात पड़े। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर और काफी अच्छी क्रिकेट यहां पर देखने को मिली इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अरे वापस से सुंदर रन तैयार, फुलटॉस गेंद बहुत पहले ही कमिट कर गए थे और ये अनुराग ने पांचवी सफलता हासिल की और डीबीसीए की लगभग आधी टीम को तो उन्होंने आउट कर दिया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा अनुराग के द्वारा। और ये नो फुलटॉस और अब बैट्समैन गए हैं आतिश उनियाल। एक सौ 29 रन बोलते हैं, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
तो अनुराग ने आके पांच विकेट लेना अपने आप में किसी भी बॉलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आज जिस तरह की लय में वो सुबह से दिख रहे थे, उन्होंने दिखाया कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं। और पांच विकेट अब तक वो ले चुके हैं। आती सुनियाल और एक काफी अच्छी गेंद और अनुराग के ओवर समाप्त हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कमी कम। पांच विकेट लिए इन्होंने। 20 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 129 रन। तो दो ओवर में क्या 21 रन बन पाएंगे, ये महत्वपूर्ण चीज। जबकि किशोर जो कि एक संत बल्लेबाज है अब भी क्रीज में है। एक सौ तीस रन 21 ओवर फेंका जा रहा है और इसके बाद अभी एक अंतिम ओवर और फेंका जाएगा। और यहां पर नितिन है बॉलर और इसे उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में। दूसरा रन लेना चाहते थे यहां पर आती सुनियाल, लेकिन यहां पर मना किया किशोर ने। और किशोर एक साइड बल्लेबाज है जो कि सही भी तरीका है। 48 रन पर खेल रहे इस वक्त किशोर और इसे खेला है इस प्रकार से, लेकिन एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और किशोर के 50 रन पूरे। किशोर का अर्धशतक पूरा, बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की। 59 गेंदों का सामना किया और यहां पर रन बनाना ज्यादा जरूरी है। समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 135 रन। 21 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 135 रन। और अब अंतिम ओवर फेंका जाएगा तो देखना है कि अंतिम टारगेट डीबीसीए क्या दे पाती है आर्केडिया को। लेकिन आर्केडिया की तारीफ करनी होगी और स्पेशली अनुराग रावत की, जिन्होंने की वास्तव में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पांच विकेट अपने आप में लेना ये गर्व की बात होती है। और दो तीन बल्लेबाजों को तो बल्कि शायद चार बैट्समैनों को उन्होंने बोल्ड मारा।
और एक बार फिर से इसे खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन एक रन से संतोष करना होगा। और किशोर, किशोर की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने एक तरफ से विकेट गिनते चले जा रहे थे लेकिन दूसरी तरफ से वो टिके रहे। और ये बहुत अच्छा शॉट, और दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं यहां पर बल्लेबाजों देर में। तो स्कोर बढ़कर हो गया है 138 रन, चार गेंदें बाकी है। उठा लिया है इसे मिड ऑन की दिशा में और दो रन के लिए भाग पड़े हो। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, आतिश उनियाल की सूझबूझ रनिंग, यहां पर आतिश उनियाल की तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने सिंगल रन को डबल में कन्वर्ट किया है, इसको कहते हैं कि आप टीम के लिए किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं और टीम के लिए कितनी प्रतिबद्ध है आप। और एक बार फिर से आसानी के साथ एक रन, बहुत अच्छी क्रिकेट यहां पर आतिश उनियाल के द्वारा। रन आने चाहिए, चाहे वो रन कैसे भी किसी भी तरीके से आए, और इसी कोशिश में स्कोर ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश। अभी दो बोले हैं, 141 है टोटल। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा, दो रन के लिए भाग दौड़ चुके हैं और यहां पर रन आउट हो गए हैं आतिश उनियाल। लेकिन आतिश उनियाल ने जिस तरह से यहां पर एक फील्डर नेम प्लीज, और यहां पर आतिश उनियाल रन आउट हुए लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो टीम का स्कोर एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं और कई बार उन्होंने सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और अब बल्लेबाज आए हैं यहां पर रमन, रमन और रमन ने आते ही दिखाया कि जो दो मिनट बचे हुए हम उसमें और ओवर की समाप्ति यहां पर 143 यहां पर डीबीसीए ने बनाया, 144 रन का टारगेट दिया है यहां पर आरकेडिया को। तो इससे पहले कि जब मैच शुरू हो तब तक के लिए धन्यवाद। नाम लिख दो, बनाया? किसका अभी नहीं है, मतलब इनका तो है ऑलरेडी, वो तो पहले ही सब 5 विकेट का है ना, वो तो पूरा लाइव है। इनका निकालने अलग से हाईलाइट निकालेंगे 5 की, इनका बोले बना दिया वीडियो, मैंने कहा वो तो ऑनलाइन चल गया पूरा। पानी
आते सुनियाल ने यहां पर शुरुआत की है गेंदबाजी की डीबीसीए की टीम की तरफ से और आरकेडिया की टीम से ओपनिंग में उतरे हैं अमित ठाकुर जो ऑन स्ट्राइक बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड्स पे हैं आर को। जी हां, बेहतरीन लेंथ बॉल करा रहे हैं बैट्समैन को पूरा जड़ में ताकि ज्यादा मौका ना मिले। और डीबीसीए की टीम जो कि 143 रन का स्कोर बना सकी अगली गेंद। और ये उठा दिया है गेंद हवा में है पीछे फील्डर मौजूद लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरी और भाग कर थर्ड यार्ड सर्किट के बाहर फील्ड किया बॉल को। जब तक फील्ड करते
तब तक रन हो जाते हैं। और इसी बीच ग्राउंड पे कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर मौजूद, अंपायर की नजर पैनी नजर उनके ऊपर और तैयार हैं कि एक्स्ट्रा प्लेयर हटाया जाए। यहाँ पे नो बॉल हो सकती थी लेकिन बड़ी ही ईमानदारी से वो तीनों प्लेयर ग्राउंड से बाहर जाते हुए। सपोर्टर्स लग रहे हैं ये, बैटिंग टीम के बैट्समैन के फैन लग रहे हैं, तो इसलिए ग्राउंड में ही पहुंच गए थे ऑटोग्राफ के लिए, लेकिन अभी बाहर ग्राउंड से। अगली गेंद और बाहर जाके उत्साहवर्धन करते हुए फैन, काफी अच्छी गेंद यहां पर बीट हुए। और गैप पे निकाल दिया ये खूबसूरत शॉट और इस इनिंग की ये पहली बाउंड्री आर्को के बल्ले से आते ही जलवा बिखेरा। और काफी अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। और इसी के साथ एक ओवर की हुई समाप्ति और पांच रन स्कोर। तो स्कोर की अगर बात करें तो 139 रन चाहिए 126 गेंदों पे। और दोनों ही बल्लेबाज आपस में गुफ्तगू करते हुए, यहां पर अमित ठाकुर NIIT की टी शर्ट पहने हुए। आर को जो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और बहुत कुछ निर्भर करेगा इनके ऊपर। आतिश ने अपने पहले ओवर में 5 रन दिए हैं और अगले गेंदबाज अब आए हैं, ऋषभ आए हैं अगले गेंदबाज, 62 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं ऋषभ। और गैप में खेला हुआ शॉट, गेंद गई बाहर सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ऋषभ का स्वागत किया यहां पर बल्लेबाज अमित ठाकुर ने, पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप की गेंद को बड़ी सही तरीके से घुमाया है लेग स्टंप की तरफ और गेंद को जो मिलना चाहिए वो रिजल्ट मिला। एक बार फिर यहां पर जोरदार अपील लेकिन अंपायर बिल्कुल भी टस से मस नहीं, हल्का सा एक इशारा जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा ही नाखुश कर देने वाला होगा, खासतौर से जब गेंदबाज अपील कर रहा हो, सर हिला के नकारा अपील को और गेंदबाज मायूस वापस अपने रन पर जाते हुए। ऋषभ
अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आते हुए। अमित ठाकुर तैयार। जी हाँ, यहाँ पर एक और गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन नहीं, पहले रन के लिए तैयार हुए फिर वापस हुए। और काफी अच्छा ओवर, पहली गेंद पर बाउंड्री खाई, उसके बाद जबरदस्त वापसी की, चार गेंदें डॉट कराई और ये आखिरी गेंद। और यहां पर बड़ा शॉट के लिए जाना चाह रहे थे अमित, लेकिन मिस हुई गेंद और अच्छा ओवर, अच्छी वापसी की यहां पर गेंदबाज ऋषभ ने। पहली गेंद पे चौका खाने के बाद बाकी की पांच गेंदें डॉट कराई, अंतिम गेंद पे मजबूर किया बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए। और एक बार फिर गेंदबाजी में आते हुए वापस आए हैं आतिश सुनियाल, अपनी आतिशी गेंदबाजी के साथ पहुंचे हैं। काफी अच्छे प्लेयर हैं और गढ़वाल प्रीमियर लीग जैसे स्टेट लेवल टूर्नामेंट में खेलते हैं। जी हाँ, पिछली बार इनकी टीम रनर अप रही थी, एक बहुत ही रोमांचक मैच था, फाइनल मैच, जिसमें कि जो दून वॉरियर्स जो टीम है उसमें उनको हार मिली थी। अगली गेंद आतिश की और यहां पर लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा देखना होगा, गेंद जा रही है पीछे बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद और अंपायर का इशारा, जी हां लेग बाई का इशारा है, लेग बाई का सिंगल रन। और अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और तेज मारा, लेकिन सीधा कैच हाथ में, दिल बाग बग्गा बॉय, द बग्गा बॉय टेकिंग अ ग्रेट कैच एंड आर्केडिया लॉसेस फर्स्ट विकेट। आई विल सी इन द रिप्ले व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, या द बिग विकेट आर्को। He got the big wicket. Arco was the great player and he was ready for that. But he didn't find the gap and got out. Batsman? Batsman name? Our first down I have Amit Negi. यार काफी अच्छे बल्लेबाज हैं अगर इनकी बात करें। हाँ अमित, दिखा अमित को, अमित को, अमित नेगी की बात करें तो 57 मैच में 55 इनिंग में 64 के एवरेज से रन बनाए हैं, काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका। और पहली गेंद डिफेंड किया है,
आते ही। डॉट गेंद रही पहली। काफी अच्छी गेंदबाजी आती सुनियाल की और अमित ने दो गेंदें डिफेंड किए। पूरी तरह सेट होना चाहते हैं बैट पे एक बार। हम बात कर रहे थे अमित की, जो कि कैरियर इनका रिकॉर्ड रहा है 174 का स्ट्राइक रेट है, 15-50 लगा चुके हैं, तो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं ये। देखते हैं आज क्या करते हैं। और ये देखिए, जैसा कि हम बोल रहे थे, काफी खूबसूरत ड्राइव और सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अमित नेगी काफी मजे हुए बल्लेबाज हैं। और देखिए आतिश सुनियाल, जैसे देखा गेंद ऊपर आई, क्या खूबसूरत ड्राइव पोजीशन देखिए, और कैप में निकाला हुआ 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें 6.79 है, लगभग 7.5 रन प्रति ओवर चाहिए। और अभी करंट की बात करें तो 5 है, तो कोई जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि 1 विकेट खो चुके हैं। आतिश सुनियाल जो की काफी अच्छी गेंदबाजी की है, जिन्होंने डीबीसीए के लिए एक शुरुआती सफलता भी दिलाई और 2 ओवर में मात्र 10 रन दिए हैं। और बड़ा झटका यहां पर अमित नेगी, जो कि तैयार नहीं थे, बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ दिया और सीधा कैच, और काफी बेहतरीन कैच था ये। मैं कहूंगा कि कैच ऑफ द मैच था ये। और अब आ रहे हैं अगले बल्लेबाज। बैट्समैन नेम और अगले बल्लेबाज आए हैं सागर कुमार। अमित और सन्नी दोनों भाई हैं।
शुरुआती दो झटके लग चुके यहाँ पर आरकेडिया की टीम को, और ये तीसरा विकेट भी यहाँ पर अमित ठाकुर। इतना लेट और यहाँ पर ऋषभ वापसी की एक विकेट ले चुके थे अमित का, और उसके बाद अगली गेंद पे ये देखिए जी हाँ यॉर्कर बना बैठे बॉल को, और क्लीन बोल्ड हुए अमित ठाकुर वापस जाते हुए। और अगले बल्लेबाज आते हुए और कपिल आए हैं अगले बल्लेबाज। कपिल गौरी आए हैं अगले बल्लेबाज। तो कहीं ना कहीं आरकेडिया की टीम इस समय बहुत बड़े प्रेशर में है, 19 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं और 125 रन चाहिए अभी भी 109 गेंदे, और मेन विकेट जा चुके हैं, अमित ठाकुर आउट हो चुके हैं, अमित नेगी आउट हो चुके हैं, और आर को तो देखना होगा कि इस मैच को कहां तक ले जा सकते हैं आर्केडिया की टीम या फिर जीत की तरफ अग्रसर होंगे। एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत होगी यहां पर।
और अब आए हैं बल्लेबाजी में, चौथा विकेट गिरा यहां पर आर्केडिया की टीम का, और बल्लेबाजी में आए हैं सन्नी ठाकुर। काफी अच्छी गेंदबाजी, ऋषभ यहां पर 3 विकेट ले चुके हैं और मात्र 8 रन दिए, काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं डीबीसीए की टीम के लिए। काफी लो स्कोर मैच था ये, 143 रन मात्र बनाए थे यहां पर डीबीसीए की टीम ने, और पीछा करने उतरी आर्केडिया की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई है, अपने महत्वपूर्ण विकेट को गिफ्ट कर चुकी है सामने वाली टीम को। और अब बल्लेबाजी में आए हैं सन्नी ठाकुर एंड सागर, जो कि दोनों दूसरी साइड बल्लेबाज खड़े हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके ऊपर, काफी प्रेशर में होंगे। जी हाँ, ये एक बार फिर काफी खतरनाक गेंद थी। तो ऋषभ तो यहां पर छा चुके हैं क्योंकि मात्र 8 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं। यह हुआ 5वां झटका और सन्नी ठाकुर जैसे आए वैसे ही वापस क्रीज की तरफ जाते हुए। फुल टॉस गेंद थी, गाइड नहीं कर पाए, खेलना चाहते थे कहीं और खेल लिया कहीं, सीधा बॉलर के हाथों में। और एक और झटका यहां पर, 21 रन पर गिर चुके हैं 5 विकेट। तू चल मैं आया वाली कहावत यहां पर होते हुए, और अगले बल्लेबाज क्रीज की तरफ जाते हुए। तो जितनी जल्दी विकेट गिर रहे हैं उतनी जल्दी बल्लेबाज आ रहे हैं, और जो बल्लेबाज आ रहे हैं उन पे प्रेशर उतना ही ज्यादा हो रहा है। बल्लेबाज सोच कर आते हुए, क्या करना रहेगा, डिफेंसिव खेलना होगा या नेचुरल गेम खेलना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता ना, प्रेशर सिचुएशन में जो खेल लेते हैं वही बल्लेबाज होते हैं, वही खिलाड़ी होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना आना बहुत जरूरी होता है। और कई बार क्या होता है, अगर सिचुएशन अपने नेचुरल गेम के अगेंस्ट है तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां होती हैं। और अगले बल्लेबाज आए हैं नितिन रावत। सामना करेंगे ऋषभ। ऋषभ यहां पर 4 विकेट ले चुके हैं और मात्र पिछली इनिंग की बात करें तो वहां पर भी 5 विकेट लिए जा चुके हैं, और इस मैच में भी कहीं ना कहीं उम्मीदें दिख रही हैं कि ऋषभ शायद 5 विकेट झटक सकते हैं। अब पूरा मौका है, क्यों नहीं, क्योंकि 5 विकेट जो अभी तक गिरे उनमें से 4 विकेट अकेले ऋषभ ने लिए हैं, और काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन और लेंथ बिल्कुल पकड़ के रखी है, बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं खेलने के लिए। एक बार फिर बेहतरीन फील्डिंग यहां पर फील्डर द्वारा। और इस प्रकार ये ओवर हुआ समाप्त। 2 विकेट इस ओवर में गिरे और मात्र 2 रन आए, तो काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर ऋषभ के द्वारा। 10 रन दिए हैं अभी तक और 4 विकेट लिए हैं। और गेंदबाजी में दूर छोर से आए हैं आतिश उनियाल अपनी आतिशी गेंदबाजी के साथ। 1 विकेट ले चुके हैं ये। सामना करेंगे नितिन, और हल्के हाथों से खेल दिया है 1 रन के लिए।
जी नहीं, बिल्कुल माफ करिएगा, ये एक रन हुआ ही नहीं, डॉट गेंद। और बॉडियाल जी आए हैं, और क्या देखिए खूबसूरत गेंदबाजी, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं और वही किया उन्होंने, विकेट लिया, बेहतरीन विकेट। ये देखिए क्या स्लोअर और लेग स्टंप पे घुमा के मारना चाह रहे थे, लेकिन स्पिनर काफी खतरनाक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और आते ही विकेट दिलाया अपनी टीम को। दीप बोटियाल जी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर विकेट लिया, दो वाइड आई अभी तक इस ओवर में, और कोई भी बैट्समैन के द्वारा लिया हुआ रन नहीं। तैयार अगली गेंद के साथ,
फ्लाइट डिलीवरी और सही जगह टप्पा। एक स्पिनर की खास बात होती है कि उसकी जो फ्लाइट है वो इतनी कंफ्यूजिंग होनी चाहिए कि बैट्समैन को डिसाइड करने में मुश्किल हो कि वो बॉल के टप्पे के साथ में उसको कैरी करे या टप्पे से पहले। और एक बार गेंद हवा में, लेकिन फील्डर जब तक पहुंचते गेंद गिर चुकी थी। गेंद को अपनी मंजिल हासिल हुई, हाथों के बजाय जमीन मिली। नुकसान में गेंदबाज, फायदे में बल्लेबाज। अपने ओवर की अंतिम गेंद के लिए तैयार। हल्के हाथों से सिंगल के लिए चाहते थे खेलना, लेकिन गैप में गेंद ही नहीं गई, पीछे फील्डर मौजूद। और फील्डर ने बड़े प्यार से बॉल को पकड़ा और अपना एक ओवर समाप्त करके वापस फील्डिंग के लिए जाते हुए दीप भोटियाल जी। और अब आए हैं गेंदबाजी में गौरव। तैतालीस रन पे 6 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर आर्केडिया के, और अभी भी 101 रन पीछे। और अभी जानकारी से पता चला कि इनका एक्शन अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी रखता है, तो काफी परेशानी साबित कर सकते हैं बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल तैयार वार्म अप करते हुए। फ्लाइट डिलीवरी और यहां पर एक बार फिर उठा के मारा है, पीछे फील्डर मौजूद। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को। और अब पूरे चाहिए 100 रन, 70 गेंदें। विकेट काफी खो दिए यहां पर आर्केडिया की टीम ने, 6 विकेट गिर चुके हैं। अगली गेंद, जी हाँ, कुछ हद तक बैक ऑफ द हैंड कराते हैं बॉल को और रोल कराते हैं उंगलियों से, तो बैट्समैन एक सिंगल रन के लिए खेल दिया है। देखिए डबल लिया है, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है यहां पर टीम को, और अगर वो साझेदारी नहीं हुई तो ये मैच बहुत ही मुश्किल होगा आर्केडिया की टीम के लिए, और जो कि डीबीसीए की टीम है पूरी तरह हावी हो चुकी है मैच में। मात्र 4 विकेट चाहिए हैं और हर बल्लेबाज को एक प्रेशर में बनाया, किसी को सेट नहीं होने दिया है। सागर ही है जो अभी तक 18 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं, और इस ओवर के बाद हम आपको दिखाएंगे कि स्कोर एक्चुअली में किस बल्लेबाज ने कितना किया हुआ है। और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग, जी हाँ, काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, लेकिन बैट्समैन सुरक्षित क्रीज में मौजूद।
जी हाँ, अंतिम गेंद ओवर की। अजय उठा के बड़ा खेल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल बैट्स के निचले हिस्से में लगी, कोई खास नहीं। और 10 ओवर हुए समाप्त। यहाँ पर टीम का स्कोर 50 रन, 10 ओवर में 50 रन। तो हम बात कर रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर जो रहा है उसमें किस बल्लेबाज ने क्या स्कोर किया है, तो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक सागर कुमार का है 19 रन। बाकी कोई भी बल्लेबाज दो अंकों का स्कोर नहीं कर पाए हैं, 6 रन, 5 रन, 4 रन, 0, 1, 3, 10 ओवर 50 रन। और बॉलिंग की बात करें तो ऋषभ ने अकेले 4 विकेट लिए, दीपचंद बोटियाल ने भी 1 ओवर में 3 डॉट डाली, 10 रन दिए, 1 विकेट लिया। और आती सुनियाल 4 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया। और गेंदबाजी में एक बार फिर दीप बोटियाल, मैंने कर रखा कमेंट्री ज्यादा, इसमें ठीक है चुपचाप। पहली गेंद फ्लाइटी डिलीवरी और ड्राइव किया हल्के हाथों से 1 रन के लिए। हवा में गेंद और बेहतरीन कैच, और यहां पर लगा 7वां झटका। ऋषभ ने लिया कैच और दीप बोटियाल जी जो कि अपनी गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं, काफी अच्छी बॉलिंग के बाद देखिए आप किस तरीके से हल्के से ये लेफ्ट आर्म बॉलिंग और ये फ्लाइट बॉल, बैट्समैन लालच में आई और गेंद हवा में, ऋषभ दूर से भागे और सुरक्षित हाथों में कैच। एक और झटका, यहां पर 7 विकेट हो चुके हैं टीम के और अब लगभग आर्केडिया की गिरफ्त से यह मैच बाहर होते हुए। और अगले बल्लेबाज आए हैं, और अगले बल्लेबाज आए हैं हर्षल चौहान अगले बल्लेबाज आए हैं। स्ट्राइक पर हैं सागर। और एक बार फिर अगली गेंद, घातक गेंदबाजी यहां पर दीप बोटियाल जी के द्वारा, और ये फुल टॉस बनाया गेंद फ्लाइट को पकड़ने, और पीछे फील्डर मौजूद और बग्गा ने लिया यहां पर बेहतरीन कैच। द फ्लाइंग बॉय दिलवाग द बग्गा बॉय, और यहां पर विकेटों की लाइन लगा दी है। शायद बल्लेबाज आए थे बड़ा शॉट खेलकर, सागर यहां पर कुछ प्रेशर कम करना चाह रहे थे टीम के लिए, और ये फुल टॉस बनाई गेंद लेकिन बॉल को पहुंचा नहीं पाए बाउंड्री के पार तक। और बग्गा बॉय जो कि काफी बेहतरीन कैच लिया जिन्होंने, और 8 विकेट हो चुके हैं यहां पर 52 रन के स्कोर पर, और जीतने के लिए अभी भी चाहिए 92 रन। और अगले बल्लेबाज आए हैं शुभम डोगरा। शुभम डोगरा अगले बल्लेबाज आए हैं, और स्ट्राइक पर हर्षल।
दोनों ही नए बल्लेबाज 0-0 के स्कोर पे। नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन की बात करें तो यहां पर शुभम डोगरा, काफी अच्छी गेंद, और एक और सफल ओवर की समाप्ति। यहां पर 2 विकेट लिए दीपचंद बोटियाल ने और 12 रन दिए हैं, 3 विकेट लिए हैं। तो आर्केडिया की टीम पूरी तरह से धाराशाही होते हुए यहां पर 2 विकेट अभी हाथ में हैं। देखना होगा एक मैच को कितने आगे तक ले जा सकते हैं, या कोई ऐसी पारी होगी जिसमें वो जीत की ओर टीम को ले जाएं। लेकिन एक बार फिर ऋषभ, और बिल्कुल सही रणनीति, क्योंकि मैच को ज्यादा खींचना नहीं चाहेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतने की कोशिश करेंगे ताकि पॉइंट टेबल में अच्छे लेवल पे रहे टीम। एक बेनिफिट जो यहां पे मिल सकता है एक गैप का, उसको जरूर उठाना चाहिए आर्केडिया की टीम के खिलाफ डीबीसीए की टीम। अभी भी जीतने के लिए 92 रन चाहिए, तो काफी बड़ा मार्जिन हो सकता है अगर जल्दी ही विकेट लिए गए। स्ट्राइक पे है शुभम डोगरा, पहली गेंद जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। कोई छेड़छाड़ नहीं पढ़ना चाहते हैं विकेट को कि बॉल किस तरह से निकल रही है। गेंदबाजी की बात करूं तो डीबीसीए की टीम की गेंदबाजी वाकई में बहुत ही मजबूत है, और उनका कॉन्फिडेंस इसीलिए बन रहा था कि क्योंकि 143 रन का भी कोई स्कोर उन्हें ज्यादा नहीं लग रहा था कि हमारे लिए कम है। और ये गलतफहमी थी ज्यादा लगने वाली विपक्षी टीम की। एक बार फिर हवा में गेंद, लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंची, पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर शुभम डोगरा को, और अब बल्लेबाजी पाए हर्षल। शुभम ने इस तरह से अपना खाता खोला, लेकिन अभी तक हर्षल ने कोई खाता नहीं खोला है। तो एक जिम्मेदारियों का पहाड़ दोनों ही बल्लेबाजों पे, और बोझ कितना सह सकते हैं ये देखना पड़ेगा। ऋषभ की गेंदबाजी एक बार फिर, जी हाँ, ऋषभ जो कि अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं, 5वां ओवर, 2 बॉलर के 5 ओवर अलाउड हैं इस मैच में, तो अपने 5वें विकेट की तलाश भी होगी कहीं ना कहीं ऋषभ को। और बल्लेबाज जानते हैं कि इनका आखिरी ओवर, तो क्यों ना थोड़ा डिफेंसिव खेल लिया जाए, और वही कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा शॉट नहीं खेलना चाहते हैं, चाहते हैं कि जितना करीब ले जाया जाए मैच को, और जरूरी भी है क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो बैटिंग टीम के लिए भी जरूरी है और बॉलिंग टीम के लिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी आउट करें ताकि एक अच्छा मार्जिन मिले और जो नेट रन रेट है उसका फायदा उठाया जा सके। और ऋषभ यहां पर आखिरी गेंद के लिए जाते हुए, और तलाश जरूर रहेगी इस गेंद में, कम से कम तलाश रहेगी उन्हें अपने 5वें विकेट की, कि अगर मैं 5 विकेट ले सकूं तो काफी खुशी होगी।
एक बार फिर अटैक में है और ऋषभ को अपनी पांचवी विकेट की जो तलाश थी वो अधूरी रखते हुए ही वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अब उनके कोटे के ओवर भी खत्म हो चुके हैं और दीप बॉटियाल जो कि आए हैं 3 विकेट ले चुके हैं। कोशिश इनकी भी रहेगी कहीं ना कहीं ये 5 विकेट का कोटा पूरा कर। पहली गेंद फ्लाइट गेंद और उठा दिया है, पीछे मौजूद है बग्गा और बिल्कुल सही, 4 विकेट तो ले चुके हैं और आखिरी विकेट भी होगा तो बग्गा। और यहां पर बॉटियाल जी अपने प्रदर्शन से काफी खुश होंगे क्योंकि मात्र 12 रन दिए हैं अभी तक और 3-4 विकेट ले चुके हैं और पहली गेंद फ्लाइट थी जिसकी फ्लाइट में फंसे यहां पर शुभम डोगरा उठा के मारना चाहते थे और सीधा दे बैठे फील्डर के हाथ में, बग्गा ने काफी अच्छा कैच लिया। और अब अंतिम बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए जो कि है अनुराग, और आज अनुराग ने शायद 5 विकेट भी लिए हैं तो एक आखिरी उम्मीद की एक चिंगारी हो सकते हैं ये अपनी टीम के लिए, एक मात्र चिंगारी, और यहां पर पूरा जंगल जलाने की बात चल रही है। और क्योंकि विकेटों की बारिश है तो बारिश में ऐसी चिंगारियों का जलना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकते हैं तो देखना पड़ेगा। जी हाँ, अगली गेंद एक बार फिर ये क्विकर मारा है और यहां पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल नकारा, काफी जोरदार अपील थी, काफी जोरदार अपील थी। और ये बॉटियाल जी की अपील है, देखिए बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर गेंद, यहां पर अंपायर ने बोला और लगा हमें भी रहा है कि बिल्कुल हाँ लेग स्टंप को मिस करती है अगर ये बॉल सीधी जाती तो। यहां पर बहुत ही मिक्सिंग कर रहे हैं गेंदबाजी में, फ्लाइट करा रहे हैं, क्विकर करा रहे हैं तो बल्लेबाजों को पूरी तरह से फंसा रखा है और अंतिम जोड़ी है तो उनके लिए भी मुश्किल होगा ये करना। 90 रन चाहिए 57 बॉल और रिक्वायर्ड रन रेट जो 9.47 का है तो लगभग ये नामुमकिन सा दिख रहा है मुझे। एक बार फिर ये उठा दिया है, गेंद जा रही है गैप में लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं उठाया बल्लेबाजों ने। और पांचवी गेंद आखिरी गेंद ओवर की और एक बार फिर फ्लाइट डिलीवरी सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं, ओवर हुआ समाप्त। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 55 रन 9 विकेट। हर्षल चौहान और अनुराग, ये लगभग टेस्ट मैच में बदलता हुआ मैच क्योंकि 10 गेंदें खेल कर 1 रन बना के खेल रहे हैं यहां पर हर्षल चौहान और अनुराग, 1 गेंद 1 रन और दीप चंद बॉटियाल जो कि 4-1-4 मतलब 4 विकेट लिए 14 रन देकर। अगले गेंदबाज यहां पर आए हैं गौरव जंगल छोर से। जोरदार अपील यहां पर लेकिन शायद बैट का अंदरूनी निकलना लगा तो अंपायर ने भी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तीसरी गेंद 2 डॉट करानी है और बिल्कुल डिफेंसिव मोड में है यहां पर बल्लेबाज, कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 22 ओवर खेले जाएं और यहां पर 14वां ओवर प्रगति पर 3 डॉट करा चुके हैं यहां पर गेंदबाज गौरव। एक और फ्लाइटी डिलीवरी और यहां पर हुआ इनिंग का एंड, फ्लाइटी डिलीवरी घुमा के मारना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन कोई फायदा नहीं यहां पर। और
देखिए किस तरह से जो पांचवें विकेट की ख्वाहिश थी उस पे पानी फेरा इस विकेट के साथ, दो बॉलर जो थे वो चूके अपने पांचवें विकेट की तलाश से, तो डीबीसीए की टीम ने ये मैच 88 रनों से जीत लिया है। काफी अच्छा मैच, लो स्कोरिंग मैच था। अगर बात करें आर्केडिया की तो कहीं ना कहीं उम्मीदें उनकी भी कम नहीं थी जीतने के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाए उस स्कोर तक जो उन्हें चाहिए था। और सेलिब्रेशन के मोड में यहाँ पर डीबीसीए की टीम, क्योंकि पहला मैच जीत गई है तो एक अच्छी शुरुआत टूर्नामेंट में। और कप्तान यहां पर मंत्रणा करते हुए अपने खिलाड़ियों से अगले मैच के लिए। तो हम ले चलते हैं सीधे आपको स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर बताते हैं क्या रहा आज के मैच का हाल। बैटिंग स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार से रहा, जो हाईएस्ट स्कोरर है सागर कुमार से 20 रन बनाए जिन्होंने हाईएस्ट, उसके बाद कोई खास प्रभाव नहीं डाल सकी पूरी बल्लेबाजी क्रम, एक के बाद एक विकेट लगातार गिरते रहे। और उसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो मात्र चार बॉलर यूज हुए और चारों बॉलरों ने विकेटों की झड़ी लगाई, 1-4-4-1। आते सुनियाल ने एक विकेट, दीप बोटियाल चार विकेट और ऋषभ भी चार विकेट लिए। और गौरव मंगिया ने एक, मंगानिया एक विकेट लिया। तो कुल मिला के दोनों गेंदबाजों का, जो चारों गेंदबाजों का योगदान था, पूरी टीम को धराशायी कर दिया। पार्टनरशिप की अगर बात करें तो पार्टनरशिप में भी कुछ खास देखने को नहीं, जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी विवेक तोमर और सागर कुमार के बीच में 17 रनों की, उससे कम हुई थी नितिन रावत के बीच में 14 रनों की और सबसे पहले विकेट के लिए 11 रनों की। तो मैच समरी की बात करते हैं, अगर डीबीसीए की तरफ से जो पहले बल्लेबाजी में सबसे बेहतरीन रहा था वो 54 रन किशोर सिंह ने बनाए, दिलवाग सिंह ने 23 रन और यहाँ पर देखिए गेंदबाजी में देखिए, वो तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, बच्चों का ही होना चाहिए। पुराना चाहूँगा दोनों टीमें यहां पर आ जाए तो ये दूसरा मैच आज का जो खेला गया और आर्केडिया के बीच, जिसमें कि आज का जो मैच क्रिकेट अकेडमी ने जीता है। तो मैं सबसे पहले तो यहां पर आर्केडिया के कप्तान को बुलाना चाहूंगा कि वो फ्रेस आए। मैं ये कहूंगा, और आज कहाँ कहीं रह गई थी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप लोगों को बहुत कॉन्ग्रेट कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा मैच हुआ दोनों बीच में। हमारी बैटिंग में हमने काफी अच्छा भी खेला, बैटिंग में हमारे जो बैट्समैन थे काफी बैट्समैन थे, लेकिन किसी ने भी सारी विकेट सबने थ्रो कर दिए।
और आपने बॉलिंग अच्छी करी हम लोगों ने, आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो उस वक्त आसान नहीं था कि स्कोर डिफेंड कर पाते, क्योंकि जिस तरह से विकेट चल रहा था उस तरह लगा। और इसमें कोई शक नहीं है, आपके टीम से सारे बॉलर्स ने वास्तव में बहुत अच्छा बॉल डाला था, लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं जैसे कि आप बता रहे कि क्लैप्स हो गए, तो आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? सर हमारे बैट्समैन सारे अच्छे हैं, वही है कि लग के खेलना पड़ेगा अगर हमें आगे टूर्नामेंट में अच्छा करना है, अपनी जिम्मेवारी सबको निभानी पड़ेगी, वही है कि हमें अच्छे से खेलना पड़ेगा, बस अपने अपने सबको अपने अपना ढूंढना पड़ेगा किसे कैसे खेलना है, किससे विकेट नहीं फेंकना थी। जिस तरह से उन्होंने दूसरे सीजन में प्रवेश किया है, तो ये ठाकुर राजेंद्र सिंह मेमोरियल के लिए टूर्नामेंट, तो इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों का, बंटू भाई का, सबका बहुत अच्छा आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और अभी अच्छे लेवल पे हो रहा है, और इस तरह के टूर्नामेंट अगर होते रहे तो हम लोग रेगुलर खेलने वाले नहीं है, रेगुलर खेलने वाले लड़कों के साथ भी खेले तो अच्छा लगता है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अच्छा खेलने के लिए, और टूर्नामेंट काफी अच्छा हो रहा है और ऐसा ही होता रहे। लेकिन आप लोगों की बॉलिंग को देखकर लगा नहीं कि आप रेगुलर नहीं खेल रहे हो, आप लोगों ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, निसंदेह मतलब आप लोगों ने हमारी मांसपेशियों को पूरी तरह से इस मैच में खींच लिया था, तो बधाई आपको और मुझे उम्मीद है कि आपकी टीम जरूर अच्छी करेगी आगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमें विनर टीम के कप्तान निशांत शर्मा को बुलाना चाहूंगा कि वो आए। आप इस टूर्नामेंट जब 143 का टारगेट आप लोगों ने इस उसमें दे दिया था, तो उस वक्त माइंड में क्या चल रहा था, विश्वास था कि 143 आप डिफेंड कर सकते हैं? बिल्कुल विश्वास था, हमें पता था कि 140 भी यहाँ पे 180 का काम करेंगे, क्योंकि विकेट अपना खेत ऊपर नीचे रह रही थी, हमें बस विकेट टू विकेट डालना था और हमें यही करना था, यही प्लान हमारा था, और हमें यही प्लान थी। आपको क्या लगता है कि 143 रन का जो टारगेट आपकी टीम ने दिया था, तो क्या ये इनफ था या इससे ज्यादा रन बनने चाहिए थे? लगभग 50 रन हमने शॉर्ट थे, हमारी स्टार्टिंग में विकेट 3-4 विकेट गिर गई थी, जो हमारे मेन बैट्समैन थे वो स्टार्टिंग में आउट हो गए, तो वहीं से लगभग 50 रन कम हो गए थे, वरना 200 तक पहुंचाते थे आराम से। किशोर की बल्लेबाजी और ऋषभ ने जिस तरह से बॉल डाला है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? किशोर भाई तो हमारी टीम के मेन बैट्समैन है, जो मतलब रेगुलर परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं और हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं, लगभग लास्ट मैचेस 5 मैचेस उनकी लगभग 4-5 50s है, तो वो तो हमेशा अच्छा कर रहे हैं, और ऋषभ ने आज बहुत अच्छी बॉल डाली है, तो आगे के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, धन्यवाद आपको। और अब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच की, तो निसंदेह आज 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने की यहाँ पर बहुत अच्छा बॉल डाला था, चाहे वो आर्केडिया के अनुराग रावत हो, उनके 5 विकेट, यहाँ से अगर मैं ऋषभ की बात करूँ तो ऋषभ ने बहुत अच्छा बॉलिंग की थी, की बात करूं उन्होंने भी बहुत अच्छा बॉल डाला था, लेकिन आज के जो मैन ऑफ द मैच है वो है ऋषभ। और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हरिराम जी को कि उनके हमारे बीच में यहाँ पे रसूल सुल्तान सर आ रखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हरियाम जी भी आए और रसूल सुल्तान जी भी आए, दोनों के हाथों से मैं यहाँ पर ऋषभ को मैन ऑफ द मैच के लिए वो करना चाहूंगा, आप ये दे दीजिए सर, और सर के हाथों से ये दिला देंगे आप ये दीजिए, तो ऋषभ और अपने हरिराम जी के, मैं आपको इसके बारे में बात फिर से बताना चाहूंगा कि ये 3,000 रुपए का कार्ड है जिसमें कि आप इसका मेरा को यूज कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फोन नंबर है, आपको इससे जाना है और आप
यहाँ पर मेंटली और फिजिकली फिट प्रॉपर्टी हो सकते हैं, तो हरिराम जी इनको और आज निसंदेह अनुराग रावत ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो कमाल की बॉलिंग है और एक तरह से उन्होंने डीबीसीए को छिन्न भिन्न सा कर दिया था। और 150 अगर मैं बैटिंग लाइन की बात करूँ तो 9-10 तक बल्लेबाज है, लेकिन इसके बाद अनुराग ने बहुत अच्छा बॉल किया था। तो मैं चाहूंगा कि एक बार रफूम सर आप अनुराग को ये बॉल, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट लिए और 5 विकेट लेना अपने आप में वो भी T20 लगभग की मैच आई 2200 का मैच था। तो आज का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मेरे तक समाप्त होता है और कल हम आपको फिर से मिलेंगे ठाकुर राजेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में। धन्यवाद दोस्तों। हाँ लेकिन यहाँ पर तो पता चला।